ये दोस्तों, आज आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल जम्मू पिजन्स में। ये देखिए, मैंने कनक यहाँ पे डाली हुई है। ये कनक बेसिकली मैंने धो के यहाँ पे सुखाने के लिए डाली हुई है। कबूतरों को क्या होता है कि हम बाहर से मार्केट से कनक वगैरह कुछ लाते हैं, जो भी खाने के लिए कबूतरों के सामान लाते हैं, मक्की लाते हैं, गेहूँ लाते हैं, चने लाते हैं, दाल लाते हैं, बाजरा लाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को ना हमें धो लेना चाहिए, क्योंकि इनको प्रिजर्व करने के लिए इनको ना केमिकल्स लगाए होते हैं। तो केमिकल्स अगर हम धो के कबूतरों को नहीं डालेंगे ये दाना, तो वो केमिकल्स कबूतरों के अंदर चले जाएंगे, जिससे कबूतर बीमार पड़ जाएंगे। और कबूतर जो हैं हमारे बड़े डेलिकेट से होते हैं, तो ये केमिकल इतना हार्मफुल तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए काफ़ी हार्मफुल हो जाता है। तो आप भी देखिए, मैंने ये देखिए धूप में धो के सुखाने के लिए डाली हुई है। तो ये मैं बाद में दूसरे दाने के साथ मिक्स करूँगा, तो फिर मिक्स करके इनको ये डालूँगा। लेकिन आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी आप कबूतर को दाना लाते हैं बाहर से कबूतर के लिए, तो वो आप धो के फिर उसको सुखा के उसके बाद उसको कबूतर को डालिए। ऐसे मत डालिए बाहर से डायरेक्ट ले आए और सीधा आके कबूतरों को डाल दिया, उससे कबूतर जो है बीमार पड़ जाते हैं। तो कबूतरों को बचाने का ये एक आसान सा तरीका मैंने आपको बताया। तो आपके साथ मैं और भी आने वाले जो वीडियोस होंगी उनमें कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए जम्मू पिजन्स।